हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में है। एक इंस्टीट्यूट में भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है NIT दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में है। इसमें ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग ट्रेड से आई हुई है। सब बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या क्या एज लिमिट इसमें मांगा गया है, कितना फीस इसमें अप्लाई करना हुआ है, सारी बातें डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो टोटल 106 वैकेंसी है, 106 वैकेंसी है जो ऑल ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो पहले हम बात करें किन किन लोगों के लिए आई हुई है। ये डिप्लोमा, बीटेक, बीएससी, एमएससी, ITI एंड 10+2 कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग ट्रेड में है, उसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे। तो अब बात करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट TA के लिए वैकेंसी आया हुआ है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए आया हुआ है, टेक्नीशियन के लिए आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ है, लैब अटेंडेंट के लिए आया हुआ है। ऐसे ढेर सारी वैकेंसी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही होगी, आप वहां से पढ़ लीजिए एक एक करके। इस तरीके के वैकेंसी है, ढेर सारी मात्रा में होने के कारण थोड़ी लिस्ट मैंने बनाई है ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप तक ना जाए। इसको मैं आपको देख के बताता हूँ आगे की पोस्ट। तो जैसे पोस्ट की हम बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसमें टोटल 22 वैकेंसी आई हुई है, और जो सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें 12 एंड 25 वैकेंसी आई हुई है। जूनियर अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें 14 वैकेंसी हैं, 14 वैकेंसी हैं। लैब अटेंडेंट की है उसमें 12 वैकेंसी हैं। उसके बाद JEE की जो वैकेंसी है उसमें 2 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिकल एंड केमिस्ट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लोग, अर्थ एंड इन्वायरमेंट के लोग एंड मेटलर्जिकल साइंस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पोस्ट है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर लें कि उसमें कौन कौन लोग अप्लीकेबल हैं। तो इसमें जो है आपके बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड बीएससी एंड एमएससी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं TA पोस्ट के लिए, ध्यान रखें। अब जो बात आता है कि सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन के लिए कौन अप्लीकेबल हैं, उसमें 10+2 के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स सीनियर टेक्नीशियन टेक्नीशियन के में सभी लोग कर सकते हैं, 10+2 हो, ITI हो, डिप्लोमा एंड बीटेक सभी लोग कर सकते हैं। अब बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट में आपका जो मांगा गया है 10+2 ओनली मांगा गया है, बट इसमें टाइपिंग जरूरी है, 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पे। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ 10+2 आपसे मांगा गया है, सिर्फ आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। JEE पोस्ट के लिए डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों अप्लीकेबल है, बट ब्रांच में लिमिटेशन है, सिर्फ इसमें सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया और वैकेंसी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। अब बात कर ले एज लिमिट क्या रखा गया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। एज लिमिट जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रखा गया है 30 ईयर रखा गया है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 ईयर रखा गया है, टेक्नीशियन के लिए 27, उसके बाद जो हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए है वो 27, लैब अटेंडेंट के लिए है वो 27, एंड JEE के लिए 30 ईयर रखा गया है। अब बात कर लें कि ये जो वैकेंसी उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का रखा गया है। तो उम्मीद जताई जा रही जैसी NIT का रूल है, सबसे पहले कट ऑफ निकाला जाएगा, कट ऑफ के बाद आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात कर ले फॉर्म की लास्ट डेट कब आ रही है, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट अभी एक्सटेंड की गई है, इसलिए 7/5/22 जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 7 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिए। अब बात कर लें इसमें सैलरी की, तो सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलती है, लेवल 6 तक की जॉब है ये, बहुत अच्छी आपकी परमानेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की।
अब बात कर लें कि इसमें फीस कितना आप लोगों को जमा करना होगा फॉर्म भरते समय। तो दो तरीके का डिवाइड किया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन को 1,000 रुपया फॉर्म का रेट चार्ज होगा इसमें। जो लैब अटेंडेंट है उनको 800 देना होगा। खासतौर पे ध्यान दें, SC ST एंड जो एक्स एम्प्लॉय हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस वैकेंसी में फीमेल एलिजिबल हैं, मतलब गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर आपको नहीं लिया जाएगा, आपको 100% इसको फॉर्म को फिल करना है। जो इस वीडियो की लिंक की बात करें कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो लिंक कैसे आपको मिलेगा, तो लिंक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पर भी आपको दे दूंगा। जब आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप साइट पर पहुँच जाएंगे। जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को फिलअप करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जॉब है, इसलिए आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। वीडियो में कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि आपको डाउट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 10th 12th BSc MSc सभी आपके नियर अबाउट के दोस्त फैमिली मेंबर ये जरूर कोर्स किए होंगे, तो उनको जरूर बताएं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप करें। थैंक यू।